हम सबके निधि प्यारी मेरी पुष्पा दादी जी को अनुभवों की कामी थी। आप सब जानते हैं मेरे चेहरे पर सदा ही मुस्कान रहती थी। आप सबका धर्मा गोद में पली, उनके इशारों पर चली और सदा उनके अंग संग रही। उसी श्रेष्ठ संघ का रंग उन्होंने पिछले 45 वर्ष सभी करनाल डिस्ट्रिक्ट और आसपास के एरिया के लोगों को अपने संघ के रंग में रखा और अनेकों का भूमि रंग कराया। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ हमारे उत्तरा दीदी जी चंडीगढ़ से हमारे बीच में हैं, जो तो हमारे आदरणीय अचल दीदी जी जो हमारे जो निचात हैं, इसलिए उत्तरा दीदी जी और माता चंद जी हमारे बीच में हैं। तभी मैं उत्तरा दीदी जी को निवेदन करूँगी कि अपने श्रद्धांजलि स्ना जीवन में उनके संपर्क में कुछ कुछ मौका मिला। कुछ बार एक दो बार करनाल में उनके पास रहने का भी मौका मिला, तो कभी कहीं किसी विशेष बड़े प्रोग्राम में दादी जी को देखा, तो सच ही दादी जी ने जिन्होंने प्रभु पालना से अपना जीवन इतना सुंदर दिव्य गुणों की खुशबू से अपने को भरपूर किया था, प्रभु पालना में अपने जीवन को पूरी तरह से रंग लिया था और ये रंगत बेहद उनके जीवन से हम सबों को मिलती रही थे। किस तरह की प्रभु पालनाएं मिलती रही और उनका उनकी वाणी से प्रभु पालना जो मिली थी जीवन में और जो उनको यज्ञ सेवा प्रभु पिता ने दी थी उसके प्रति उनका अटूट विश्वास और अथक स्नेह और हार्दिक स्नेह रहा, ये उनसे देखने को उनसे दिखता था और उनसे हमें सीखने को मिला कि शिव बाबा के यज्ञ को शिव बाबा के यज्ञ की कोई भी सेवा हो वो कितने नम्र भाव से स्नेह भाव से अपने मन से करते थे। ये हम सब उनको देखते थे और कभी कभी वो बहुत सुंदर विद्यालय के इतिहास की बातें सुनाते जिनको सुन के हम जैसी आत्मा को भी ये बल मिलता, एक शक्ति मिलती कि दादी जी अगर इतना बढ़ सकते हैं आगे कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज उनके इस दिवस पर हम सब आत्मा ये संकल्प करें कि जिस तपस्या को उन्होंने जीवन का अंग बनाया, जिस गुणों को जीवन में धारण किया, हमारा ये कर्तव्य है, हमें ये सौभाग्य मिला उनको देखने का उनसे सीखने का, हम अपने जीवन में ऐसा तब करें जैसा कि तब उन्होंने किया, अपना जीवन निखारा, कुंदन जैसा बनाया। हम भी अपना जीवन तब से दिव्य गुणों से सवारे और तभी हम उनका नाम रोशन कर सकते हैं जो कि वो एक आधार स्तंभ रही विद्यालय की। उनके रग रग में प्रभु पालना प्रभु प्यार उनकी वाणी से चलता था, हमें भी ऐसा ही कुछ अपने जीवन में अपनाना है, उन जैसे गुण उन जैसा तप उन जैसी प्रभु प्रीति हमारे जीवन में हो ताकि हम भी अपना जीवन ऐसा बना सकें ऐसा संवार सकें कि हम संकल्प करें हम उन कदम चिन्हों पर चलें जो मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया है।
यही हमारी श्रद्धा सुमन, हमारी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित है कि दादी जी जो आपने तप किया हम अवश्य ऐसा तप करें, ऐसे गुणों को जीवन में धारण करते हुए औरों के लिए मार्गदर्शक बने जैसा कि वो बने, जिन्होंने अपने जीवन से अनेक आत्माओं के अंदर ऐसा ज्ञान का बीज बोया जो हम देख रहे हैं आज। ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ऐसी आत्मा को कोटि कोटि नमन है, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। ओम शांति। पक्षी डाली पर बैठता भी है और उड़ भी जाता है, पकड़ता भी है लेकिन जुड़ता नहीं है। इतनी समझ है उसके अंदर, अगर वो जुड़ जाए तो वो उड़ नहीं सकता है। तो ऐसा ही पाठ दादी जी ने हम सबको सिखाया और पढ़ाया कि एक दूसरे से दिल से जुड़ो भी लेकिन उड़ो भी, उसमें फंसो भी नहीं। तो ऐसा ही पाठ हमें उस पक्षी से भी सीखना है। और दादी जी का तो प्रतीकगत में मेला है वहाँ थे, और सुदेश दीदी जी हमारे मानसा वाले, उनका भी फोन आया, उन्होंने ऑपरेशन करवाया है आँखों का, तो इसलिए वो भी नहीं आ पाए। तो उस तरफ से हमारे शोभा भूषण जी भी आए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है करके बैठेंगे। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे अति आदरणीय साकार मम्मा बाबा के हस्तों से पले हमारी अति आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी, कुरुक्षी दादी जी के अंग संग सेवाएँ तो करते रहे हूँ। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता लक्ष्मण जी। आज हम सब भाई बहन दादी कृपा की, आप तो सब दादी वृद्ध कृपा जी बहनों के साथ मैंने अंग संग रह करके परवरिश की है। दादी वृद्ध कृपा की अपनी मिसाल कुछ नुमा चेहरा कुछ मिजाज, खुद भी हंसना दूसरे को भी हंसाना, और बड़ा प्रेम दूरत भोलापन, जैसे बाबा भोलानाथ है। पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं, सौ का नोट भी नहीं पहचान सकती थी, इतना भोलापन था। तो जब मैं कुछ शिरकत था तो मैं उनके संग में आया, सर्विस का बड़ा शौक, थोड़ा सा पैगाम मिला भागे, चाहे छोटा गाँव है चाहे बड़ा गाँव है, लेकिन सेवा के लिए कभी आना काम नहीं। बाबा का अनन्य रतन थी और सबको सलाह देती थी कि एकजुट कर रहो। मेरे साथ तो बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी,